सीन बहुत ही चमत्कारी है। इस सीन में ऐसा कुछ है कि हमारे नागिन जो है उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, यानी कि जो रोली बन के आई हैं अभी उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और वो जिसको भी छूती हैं उसके मन में, जहन में, दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो सब पढ़ लेती हैं। तो बेसिकली सीक्वेंस ये है कि वो माता जी को छूने की कोशिश कर रही हैं कि माता जी को उनके बारे में सच्चाई पता चली कि नहीं चली, और इतने में एक चमत्कार होता है। चमत्कार यानी कि मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उन्हें छूने से बच जाती हैं। सिद्धांत को कुछ नहीं पता, सिद्धांत एकदम इसमें क्या बोलते हैं ये सीक्वेंस में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, उसे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। बस वो अनजाने में वो डेटा डाउनलोड जो हो रहा है माता जी के तरफ से वो रोक लेता है, लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में सिर्फ सिद्धांत इतना ही जानता है, एक आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है कि यही मेरी रोली है और इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपने रोली को ब्लाइंडली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ससुराल सिमर का कम है, पहले ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का था, आजकल ससुराल मुसीबतों का हो गया है और आगे न जाने किस किस का होगा। पहले ससुराल बीच में भूतों का भी हुआ था, अभी ससुराल नागिनों का है। तो बेसिकली हमारे यहाँ थ्रिल्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं और इसलिए TRP बढ़ती रहती है। थैंक यू सो मच।